विद्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। तो लीजिए मेरे ढोला के श्रोताओं, दिव्या एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके समक्ष हमारा प्रोग्राम फौरन सिंह और भरत सिंह के माध्यम से और अन्य कलाकारों के सहयोग से ऐसा ढोला पेश किया जा रहा है जो आज तक बड़े बड़े कलाकारों द्वारा भी आपने नहीं सुना हुआ। इसका नाम है मनसुख का विवाह उर्फ कासिमगढ़ की लड़ाई। और लीजिए बंधुओं, हमारे पेटी मास्टर हैं दर्शनलाल और जो नक्काड़े पर संगति दे रहे हैं उस्ताद प्रेमचंद और ढोलक मास्टर हैं दिनेश चंद्र और हमारे जो डांसर का काम कर रहे हैं बच्ची और ऋषि और हमारे यहाँ जौकड़ का काम कर रहे हैं खन्ना भाई और राकेश भोगपुरा वाले और हमारे यहाँ जो लेडीज डांसर हैं सुमन। धन्यवाद। मनसुख। हाँ भैया। मनसुख, हमने इंद्र को और परास्त कर दिया है। हाँ। और इंद्रदेव को हमने इंद्रा इंद्र लोक को भेज दिया है। अब नारद जी को बुलाइए और राजा भीम से खबर करवाओ कि अब हमारी शादी होनी चाहिए। हाँ भैया, इंद्र से यहां से गया, तुम्हारी शादी करवाऊंगा और शादी करके अपनी भाभी को साथ लेकर के जब अपने नरवर के लिए चलेंगे। हाँ भैया। हाँ। क्योंकि हमें तुम बहुत टाइम हो गया। हाँ। हमारी मंजमा है, हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, मौसी कह रही होगी। हाँ। कि बेटा मेरा शादी करने गया है, शादी करके वापिस नहीं आया। नारद जी को बुलाओ और फौरन राजा भीम से खबर करवाओ कि हम हमारी शादी और करवाना चाहिए, धैमंती को बुलाना चाहिए। ए नारद जी, नारद जी हमारा एक काम कर दो, राजा भीम से खबर कर दो कि धैमंती की शादी और हमारे भाई राजदल के साथ होनी चाहिए जिससे हम अपने नर्व के लिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी करता हूँ। बोल दो जाकर के। राजा भीम, कहिए क्या बात है नारद। हाँ, जी। हाँ। कैसे आना हुआ है तुम्हारा? और राजा नल ने ये कहा है कि हमारी शादी और बहुत दिन हो गए यहाँ और जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है, कहने का मतलब उनकी विदाई की जाए। हाँ ठीक है, ऐसा करो। हाँ अभी आज थोड़ा विलम्ब है क्योंकि बेटी को बुलाएंगे और उसके बाद में आपकी विदाई की तैयारी की जाएगी। ठीक है महाराज। बेटी दहमंती विद सखियों के आइए क्योंकि आपकी विदाई का समय हो चुका है। नारायण नारायण नारायण। और खबर कर दी आपने? खबर कर दी विदाई की? बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, विदाइयों की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ नारद जी। बहन, ये सहेली हो? हाँ बहन। देखो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है। हाँ। और जो हमारे पति हैं। हाँ। उनने इंद्र को प्रजाति कर दिया और अब चलो मैं बरमाला डालूंगी और अपने पिताजी के यहाँ से विदा हो जाऊंगी। बहन, हाँ तो बरमाला डाल देना और उसके बाद में हम तुम्हारी विदाई कर देंगे। पर बहन हमें भूल मन जाना। नहीं भूलूंगी। देखो हम तुम्हारी सहेली हैं पर हमें भूल मन जाना। मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो आ जाओ बहन, लो पकड़ो। हेलो, परिमाला फूलन की के जाने कि नगे गले पड़ेगी।
बहन। हाँ तुम्हारी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई। तुम जा रही हो? ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरी बुआ है, उन्हें और बुलाए ले। बुआ को बुलाएंगे जब तेरी हम विदा करेंगे। हाँ तो मेरी बुआ को बुलाओ, क्योंकि मेरी बचपन की बुआ रखवाली करती थी और उससे मिलूंगी, उसके बाद जाइयो। हाँ आज बहन में मुंशी रहेगा अकेलो। और भोपाल दादा भी रहेगा, मैं बुला रही हूँ। अरे बुआ आ जा, बुआ बाहर आ जा, इतने आ जा बुआ। इतने आया दारी काजे बुआ, तू चिका कर रही तू? ये तू है मालूम ना कहाँ जा रही तू? मैंने आज मिलने रामी दादोरिया ने अर्रा की दाल दे दे चमाचा डाल के खूब बढ़िया बना दो, मेरे पेट में खलबली मच गई। मचा तू तो सरहुना लग रही है। एक काम कर रहे सुनना चाहिए तू, आज बहने थी वो हमारी तुम्हें थी भाई, शादी है गई, आज वो जा रही है अपनी ससुराल। तो रुक जा मोने के नीचे है लिंदा, हिम्मत जा या सगन के सामने बगले आई है, बगले आई बड़ी बूढ़ी। ये राम मेरी दादोरी देखेंगे तो ये का कहेंगे? एक तो भी देखते रहेंगे, मनु तो ललचावेंगे हम पे, तो कुछ ले ले रे। चल आ जा बुगा, ये चली तू बाद में करिए करे सो जब था पहले। ए तो कर लली का जी रही ए, तो तू जा रही ए तो को ए जा रही। हाँ बुआ बड़ी जो तरबात आ जाती है, क्या करूं? अरे मेरी ए बुआ आरी, बुगा आवाज़ कैसे होगी? अरे बिटिया कचुना है तब बोले बाबा पार करे ए बुगा। ओ चुपिरा ना मालिम पहले जन काका होगा। अरे बिटिया कचुना है तो तब जे गृहस्थी के सामान है जिन्हें बात न के कहूँ स्कूल ना होते हैं। तुम वो बता दे समझ आए ले पहले का करना पड़ेगा। तो ए ऐ तो कर बिटिया ओए अब इतने रुक जा, तो अब कछु धर्म की बातें बता दे चले। और ये सुन लाली मेरी बात, लाली तुम घर अपने काम बताए तो गर्भवती के राह है। अच्छा भैया समझा समझा गंद
पता ना है, माता की जीव है पेड़ा खा जाते। ए मैया लपेड़ा खा जाते। हाँ लपेड़ा खा जाते। मैं तो गई लली हमारे पे कहा है मेहमान जी। ए बुगा बैठे हैं। कहाँ बैठे? मैं बैठे मैं पे कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठे। हाँ घूमे आऊ मेहमान सिंह तो उन्हें मिले आऊ। हाँ मिलिया मिलिया बुगा, तब तक मैं नहीं बैठी हूँ। बात कर ले बुगा जी बैठी है। को लगो मेहमान सिंह। हाँ बुआ जी। अरे लगो ठाड़े है ना। हाँ बुआ जी क्या बात है? हमें जमाला पत्र बड़ी बूढ़ी अम्मा के। हाँ हाँ बड़ी बूढ़ी का लल्लू जा रहे। हाँ मैं जा रहा हूँ। करियो क्या करूँ? देखो हमारी बिटिया छोटी है। हाँ वो तो मुझे मालूम है। अबे कछु जानते ना है। हाँ ये तो मुझे मालूम है। मैं तो कभी जाते ही जाते मत पकड़ा दियो। क्या? अरे वो डरा चकिया को। ए हमारे यहाँ चाकी नहीं, अब चाकी जलती नहीं है हमारे यहाँ। चाकी जलती ना? चाकी जलती नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है। और क्या? अब तो चक्की चली गई, आटा पिस के आ तो चक्की पे। हाँ अब तो चाकियाँ चक्की जलती है। और यह तो करियो। हाँ बिटिया हमारी अब छोटी है। अच्छा ठीक है। क्या बिटिया तो समझे जीजी जीजी कहा तो तुम जीजी कहियो। बुआई तुम्हें शर्म नहीं है? क्या कह रही तू? जे तुम सीधे क्या कहती जाते जी जी। हाँ तो सोई तो मैंने कही। अरे तो मैं कैसे कहूंगा? तुम हाँ लगवा नहीं कही। मेहमान तू कहू कही। अब बताओ मैं क्यों कहने लगा? ठीक है मेहमान तू या तो करियो भाई बिटिए, परेशान ना करियो जाते। अरे नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत प्यार है पाली है। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। तुम्हारी तो दे दो छोटी है। अरे तो क्या है वो बात आते आते को चोदो ना यार। बुआ ओए बुआ के तो जे परेशान ना करे के तो राम मुद्दा और ये गेला मने करते परेशान। राकेश बे रामवीर ए तो करियो इन्हें समझा दियो मेहमान सिंह को, कहते कि बिटिया हमारी छोटी है। हाँ अबे कछु जानते ना है वो। जानते ना है। अच्छा होगा कुछ नहीं जानती है। अरे मैं सब उसे समझा दूंगा। तो आप चिंता क्यों करती हैं? चले तो करो बिटिया। हाँ अब तो कर लो। हाँ पिता की अब हमारी विदाई करो। पिता की तैयारी करो। हाँ चलो मास्टर बहन। हाँ इधर आ जाओ। तुम जा रही हो? हाँ पर बहन तुम जा तो रही हो, मैं भूल मनिया ना केवल। अच्छा बहन मास्टर आज को जमानो है जहाँ पे तुम कोई ऐतराजू ना करो। आज कल तो टाटा भाई भाई को जमानो, पहले बिटियां रोए के जाती थी। ओ अब तो हाल आएगी चार भैया की ओ मिनी अबे कागज पापा टाटा दे गई। आजा बहन मेरी तू मिल ले मुझसे। अरे हो चलो रे डोली उठाओ पिया मेरे ने दूध पिवाओ कर ना पिवाओ। अब तू जा मोड़ी ले बरा दी तो पाइए। आओ जा तू जा। आए बिटिया बेन। बिटिया तो प्यारो मोच जमाने में को ना है तेई की सम कह रहे हम ती पल 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 लिए। और बेटी घर बाबुल के कुछ दिन काटे का
भैया। चलो हमारी तुम्हारी विदाई हो चुकी और देवंती अपने साथ है और अब चलो अब अपने देव नगर को कूच करेंगे। लेकिन भैया मुझे सामने कुछ अशगुन होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार कभी क्षत्रिय क्या अशगुन हुआ तुझे? हेलो देखो सामने। हेलो क्या अशगुन हो रहे हैं भैया? क्या अशगुन हो रहे हैं? तुझे क्या दिख रहा है?